कीबोर्ड हमारे स्मार्टफोन का वो हिस्सा है जिसके बिना हम अपने फोन में कोई भी काम नहीं कर सकते। हम अपने फोन की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स तो सीखते हैं लेकिन अपने कीबोर्ड को भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 11 ऐसी कीबोर्ड या फिर कहूँ कि जीबोर्ड की ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी चैटिंग एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना सकते हो। तो राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ ये है मोटोरोला का मोटो G5 प्लस जिसमें गूगल कीबोर्ड प्री इंस्टॉल मिल जाता है। अगर आपके मोबाइल में जी बोर्ड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सपोज कीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग पर लगे पड़े हो और तभी आपको ध्यान आता है यार मुझे अपने गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो अब आपको आपका ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कीबोर्ड में ही गूगल का होम पेज मौजूद है। आपको जो भी कुछ यहाँ पे सर्च करना है आप उसे टाइप कर सकते हो और उसके बाद सिंपली इस चीज़ को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे गूगल का होम पेज हमारे कीबोर्ड में ओपन हो चुका है। आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दोनों का कहीं घूमने का प्लान बनाए तो आप उस जगह की टाइमिंग को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो और ये काम आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं भी शेयर कर सकते हो। हाँ, अगर हम व्हाट्सएप पे बिना इमोजी के किसी के साथ चैटिंग करते हैं तो हमारी चैटिंग थोड़ी सी फीकी लगती है। तो यहाँ पे देखिए इस कीबोर्ड में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इमोजी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जी पे क्लिक करिए, इसके बाद इमोजी पे क्लिक करिए तो ये देखिए आपके सामने जितने भी इमोजी हैं ये एक जीप फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। आप इन इमोजी को अपने व्हाट्सएप पे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको GIF यानी कि जीफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी में GIF मिल जाएंगी या फिर अगर आप किसी कैटेगरी के ऊपर सर्च करना चाहते हो तो आप उस कैटेगरी के ऊपर GIF सर्च भी कर सकते हो। और GIF को आप अपने सोशल मीडिया में किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप या फिर आपके एंड्रॉइड कीबोर्ड में आपको बहुत सारे इमोजी मिल जाएंगे बट जब आप किसी पर्टिकुलर इमोजी को किसी को शेयर करते हो तो वह उस टाइम पे आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए आप इमोजी में जाके और यहाँ पे देखिए ड्रॉ करके आप अपनी इमोजी को सर्च कर सकते हो। वेल, मेरी यहाँ पे ड्राइंग अच्छी नहीं थी तो फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इमोजी ने कितनी परफेक्ट तरीके से सर्च करा है और आप इस सर्च करी हुई इमोजी को अपने यहाँ पे शेयर कर सकते हो। अब ये प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ आती है, जब आप अपने कर्सर को अपने मैसेज के किसी एक पॉइंट पे पहुंचाना चाहते हो तो एक टाइम पे तो नहीं पहुंचता, बट इसका भी एक शॉर्टकट मौजूद है। आप अपने स्पेस बार को प्रेस करके लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करिए या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करिए तो आपका कर्सर भी आपके स्पेस बार के अकॉर्डिंग मूव होगा और इस तरीके से आप अपने कर्सर को एक टाइम पे ही अपने उस एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंचा सकते हो। अब यहाँ पे एक और शॉर्टकट मौजूद है जो कि है आपके मैसेज को डिलीट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए आप अपने मैसेज में जाइए, इसके बाद अगर आप अपने मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपने डिलीट ऑप्शन से यहाँ पे देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करिए और आपका जितने भी मैसेज सिलेक्ट होगा वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मैसेज आपको सिलेक्ट होगा वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। हाँ, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा इजीली करना होगा क्योंकि अगर आप बहुत ही फास्ट करोगे तो आपका यहाँ पे मैसेज डिलीट नहीं होगा। इसके बाद अगर आप इसे अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन भी मौजूद है। आप में से बहुत से यूजर यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए अलग अलग ऐप को यूज करते होंगे बट ये ट्रांसलेट का ऑप्शन आपके कीबोर्ड में ही मौजूद है। यहाँ से आप अपने ट्रांसलेट वाले ऑप्शन में जाइए और आप अपनी किसी भी लैंग्वेज को अपनी किसी भी पसंदीदा लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ जो कि बड़ी ही इजीली और बड़ी आराम से हो रहा है और ये सारा काम आप अपनी रियल टाइम चैट में कर सकते हो। अगर आप अपने मैसेज को बहुत ज़्यादा कट, कॉपी, पेस्ट या फिर डिलीट करते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए है। यहाँ पे आप अपने गूगल के आइकन पे क्लिक करिए, थ्री डॉट पे जाइए और फिर टेक्स्ट एडिटिंग पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको जो भी मैसेज आपने टाइप करा है
आप यहाँ पे अप डाउन लेफ्ट राइट के हिसाब से अपने कर्सल को मूव करा सकते हो और यहाँ पे आप अपने मैसेज को सिलेक्ट कर सकते हो और इन एरो की से जितने भी मैसेज आपने सिलेक्ट करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद आप इसे कट कॉपी पेस्ट या फिर डिलीट कर सकते हो। अब अगर आप अपने 5 इंच या फिर 6 इंच वाले मोबाइल में एक हाथ से टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप जाइए वन हैंड पे और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो कीबोर्ड का साइज है वो बहुत ही छोटा हो चुका है जिससे आप एक हाथ से टाइपिंग कर सकते हो या फिर आप इस कीबोर्ड को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। यहाँ से आप इस कीबोर्ड को लेफ्ट या राइट की तरफ भी स्वाइप करा सकते हो और अगर आप इस कीबोर्ड से एग्जिट होना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप एग्जिट हो सकते हो। टाइपिंग करते टाइम पे हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड या फिर कुछ ऐसे लेटर आते हैं जिन्हें हमें कैपिटल में लिखना पड़ता है यानी कि बड़ी ABCD। इसके लिए हम इस एरो की को दो बार प्रेस करते हैं और फिर अपने मैसेज को कैपिटल में टाइप करते हैं और फिर से एरो की को प्रेस करते हैं और अपने मैसेज को स्मॉल में टाइप करते हैं। इसके लिए आपको इतना लंबा चौड़ा झंडा लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिंपली इस एरो की को प्रेस करिए और जहाँ पर जिस लेटर को आपने कैपिटल में लिखना है आप डायरेक्ट वहाँ पर इसे छोड़ दीजिए तो आपको वो सिंपली एक लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा और बाकी जो भी आपने सेंटेंस लिखना है वो सारा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी चैटिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको दुनिया भर की कीबोर्ड थीम वाली ऐप मिल जाएंगी लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको उन्हें इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके इसी कीबोर्ड में आपको आपकी दुनिया भर की थीम मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको बहुत सारी थीम मिली है, आप अगर यहाँ पे 100 मोर पे क्लिक करोगे तो आपको और भी अच्छी अच्छी थीम यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे देखिए अपने कीबोर्ड की थीम को चेंज कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड को एक बहुत ही प्यारा सा लुक यहाँ पे दे सकते हैं। कई बार हमारे सामने ऐसा ऑप्शन आता है कि हम अपने मैसेज के बीच में किसी नंबर को टाइप करना चाहते हैं तो हम अपना न्यूमेरिक कीबोर्ड ओपन करते हैं और फिर उस नंबर को टाइप करते हैं और उसके बाद अपने मेन कीबोर्ड में आपके अपना पूरा मैसेज टाइप करते हैं जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जाना है अपनी सेटिंग में और यहाँ से नंबर रो को आपने एक्टिव कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो नंबर रो है वो हमारे मेन कीबोर्ड के साथ अटैच हो चुकी है। इसका मतलब हमें आप कीबोर्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपके गूगल कीबोर्ड यानी कि जीबोर्ड से जुड़ी हुई 11 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपनी चैटिंग एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।